2023 का वर्ष प्रारंभ हुआ है, जनवरी का महीना है और वैसे भी जनवरी अपने आप में बड़ा खास होता है। जनवरी के महीने में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, देशवासियों को आजाद भारत में उनके अधिकार सुनिश्चित हुए थे। ऐसे पावन महीने में आज कर्नाटका की सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अभी 50,000 से अधिक परिवारों को पहली बार उनके घर, उनकी रिहाइश का हक मिला, हक्कू पत्र मिला है। ये कर्नाटका में तांडा बस्तियों में रहने वाले हजारों साथियों, गुमन परिवारों के बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने वाला है। कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के कलबुर्गी, बीदर, यादगीर, रायचूर और विजयपुरा जिलों की तांडा बस्तियों में रहने वाले सभी मेरे बंजारा भाइयों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर्नाटका सरकार ने 3,000 से अधिक तांडा बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस प्रशंसनीय कदम के लिए मैं श्री मुंबई जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है और बंजारा समाज भी नया नहीं है, क्योंकि राजस्थान से लेकर के पश्चिमी भारत में नीचे तक चले जाइए, हमारे बंजारा समुदाय के भाई बहन राष्ट्र विकास में अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मुझे हमेशा पुराने समय से उनके साथ जुड़ने का आनंद आता रहा है। मुझे बहुत याद है कि 94 के विधानसभा के चुनाव के समय इसी पूरे क्षेत्र में एक रैली में मुझे बुलाया गया था और मैंने जब वहां उस रैली में लाखों की तादाद में हमारे बंजारा भाई बहनों को देखा और बंजारा माताएं बहनें परंपरागत वेशभूषा में लाखों की तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए थे, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों। आज आप सभी के लिए कर्नाटका सरकार का ये प्रयास जब मैं देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था।
भगवान बसवेश्वरा ने अनुभव मंडपम जैसे मंच से सामाजिक न्याय का, लोकतंत्र का एक मॉडल दुनिया के सामने रखा था। समाज के हर भेदभाव, हर ऊंच नीच से ऊपर उठकर सबके सशक्तिकरण का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र में भी वही भावना है जो भगवान बसवेश्वरा ने हमें दी थी। आज कलबुर्गी में हम इसी भावना का विस्तार देख रहे हैं।